आप सब कैसे हैं मित्र? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अगर आप अपनी पाई में स्पीड बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा ज़्यादा आपकी पाई जो है बनने लगे, अगर दिन में एक पाई बन रही है तो इसका इंक्रीज कैसे करेंगे, वो चीज़ आज बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जो है केवाईसी का है प्रोसेस, वो जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करना है। और नंबर तीन आपको बताएंगे कि आप अगर चेकलिस्ट नहीं कंप्लीट हो रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और आपके अगर केवाईसी नहीं है तो उसमें एक ग्रेस पीरियड आपके स्क्रीन में चल रहा होगा। अगर वो उस ग्रेस पीरियड के अंदर आपकी केवाईसी सबमिट नहीं हुई तो क्या होगा, और माइग्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम चलेंगे कि आप अपनी माइनिंग को बूस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपको यहाँ पे देखिए एक सर्कल दिख रहा है पाई प्रति आवर्स। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमको लेकर जाएगा, देखिए, और यहाँ पे इंक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, आपके जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और चार लोग अगर आपकी माइनिंग कर रहे हैं रेफर में तो एक रेफर से आपको कितना मिलेगा, 0.25 पाई आपको एक रेफरल से मिल रहा है। जो भी आपकी टीम है, एक टीम अगर एक्टिव है तो इतना मिल रहा है, अगर चार टीम एक्टिव है तो आपको एक पाई मिलना चालू हो जाएगी। तो इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, तो इंक्रीज करने के लिए हम बैक चलेंगे और हम जाएंगे 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जैसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं रेफरल टीम को। पहले रेफरल टीम पर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके जो भी रेफरल होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो इनको यहाँ पे आपको एक्टिव रखना है, जैसे हमारा ये एक्टिव है, ये देखिए इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, इनएक्टिव है, एक्टिव है। तो इस तरीके से आपको सभी को क्या करना है, बताना है कि भाई अपनी पाई की माइनिंग जो है चालू करिए, जिससे क्या होगा आपकी पाई की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको 100% जो लिखा हुआ है यहाँ पे 100% आपका होना चाहिए। कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड मोर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी देखिए बहुत बड़ी टीम आएगी। यहाँ पे देखिए ऐड करने का है, ये बंदे हमारे सारे ऐड हैं, जो आपके में आ रहे हैं नहीं ऐड हैं तो उनको ऐड करना है, जैसे ये ऐड करना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ये देखिए ऐड हो गया। इस तरीके से एक और ये है, इनको भी हमने ऐड कर दिया, और ये है इनको भी हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका सर्किल बहुत बड़ा बनता है, जिससे आपकी बूस्टिंग जो है बढ़ती है। तो इस तरीके से आप इस सर्किल को बढ़ा सकते हैं। बूस्टिंग का समझ में आ गया, और सभी की माइनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, सभी लोगों की माइनिंग जारी रहनी चाहिए, तो आपकी बूस्टिंग और उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। अब ये हो गया। और जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही है वो क्या करेंगे, जिनको स्लॉट मिल गया है मगर केवाईसी आगे प्रोसेस नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आपको माइनेट में 3 डॉट पे क्लिक करके फिर कहाँ जाना है, माइनेट में। माइनेट में जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सारा सिस्टम शो करेगा कि आपकी पाई कितनी माइग्रेशन, जैसे हमारी ये माइग्रेट होगी, ये ट्रांसफरेबल है, ये अनवेरीफाइड है। तो इसके लिए आपको करना है, ये चीजें जरूर देखना है आपको। और फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पर फिर से क्लिक करेंगे, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद
अब हम जाएंगे कहां पे, यहां पे जाएंगे पाई यूटिलिटी पे। पाई यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे, सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए केवाईसी वॉलेट का आ गया है और केवाईसी का स्लॉट है, और केवाईसी वाले स्लॉट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, और जैसे ही ओपन होगा तो और आगे प्रोसेस अभी लेगा ये। जिन भाई ने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें मित्र। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए समय निकालकर हेल्प करते रहते हैं। और जो भी पाई सिद्रा क्वाइन या एटीएच बेचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप, उस पर संपर्क करके सेल कर सकते हैं। और हमारा कहना यही है कि ना सेल करें, पाई को होल्ड करके रखें, फिर भी जो कोई बेचना चाहता है तो जरूर व्हाट्सएप में हमें संपर्क करें। देखिए यहाँ पे हमारा, जैसे मैं केवाईसी का स्लॉट ओपन किया तो केवाईसी हमारा हो चुका है, तो हम चेक माई केवाईसी एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। देखिए केवाईसी हमारी पास है और जो वैलिडेटर है वो भी हमारा अप्रूव है। वैलिडेटर मीन्स आप दूसरे की केवाईसी करके क्या कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैलिडेटर का हमारा है 77, वैलिडेटर हमारे क्या है, सक्सेस हो चुके हैं। दो पेंडिंग में पड़े हैं, बाकी कुछ फेल हो गए हैं। टोटल हमने 84 लोगों की केवाईसी की है। तो और इसका जो है ये है पाई अर्न कमिंग सून, इससे जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो हमारा मिलने वाला है। कब मिलेगा आप पाई पे की टीम पर निर्भर करता है कब देंगे। तो यहाँ से आप अपनी केवाईसी करने के बाद, वैलिडेटर को पास करने के बाद यहाँ से अपनी पाई की ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो रिवॉर्ड के तौर पे। तो ये हो गया। और उसके बाद अगर केवाईसी आपकी नहीं हुई है, स्लॉट भी नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है, तो आपको करना है थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आ जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में और जैसे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और नीचे की तरफ देखिए सारा कुछ सिस्टम आ रहा है। तो ये आपके वेरीफाई होने चाहिए। उसके बाद केवाईसी आपकी नहीं वेरीफाई है तो केवाईसी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसमें एक आपको मेल डालनी होगी। वो कैसे डालनी होगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देख लेना, समझ जाएंगे। उसके बाद चेकलिस्ट में आ जाते हैं। चेकलिस्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके सारे ये चेकलिस्ट कंप्लीट होने चाहिए। अगर माइग्रेशन हुआ है तो वॉलेट में चेक कर लें आपके वॉलेट में पाई पहुंची है नहीं पहुंची है। अगर आपके वॉलेट में पाई नहीं पहुंची है तो समझ लीजिए आपका वॉलेट गलत पड़ा हुआ है। तो और जब पाई वॉलेट में पहुंच जाएगी, नवा स्टेप तभी कंप्लीट होगा। उसके बाद ये केवाईसी वाला कंप्लीट होगा, केवाईसी आपकी हो जाएगी। तो ये सारे आपको होने चाहिए। अगर नहीं है तो चेकलिस्ट वाला वीडियो देख लेना हमारा और उनको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हम आएंगे ग्रेस पीरियड, यहाँ पे शो हो रहा है आपके में, तो ये ग्रेस पीरियड है। इस ग्रेस पीरियड पर आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं हो शो हो रहा है तो उसके बाद आगे आपको पता लग जाएगा कितना समय आपको मिल रहा है, अभी बचा शेष है कि उस समय तक आप अपनी केवाईसी का जो है सबमिट कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको माइनिंग करना है और अपनी टीम को माइनिंग कराते रहना है और अपनी टीम की केवाईसी को भी करा देना है। और अगर और ज्यादा आप अन्य करेंसी में इंटरेस्ट रखते हो तो उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर वर्क करना चालू कर दीजिए। बाकी अपडेट रहिए हमारे चैनल पर, हम जो भी नई अपडेट आएगी तुरंत आपको देंगे, तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपके टीम है
जो भी आपके रेफरल हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी वीडियो हमारे पास पाई से रिलेटेड है, केवाईसी से रिलेटेड है, उन सारे वीडियो को उनके पास फॉरवर्ड करिए, जिससे वो सीखें और आपको भी फायदा मिलेगा उनसे। तो जाहिर सी बात है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।